हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो बिल्कुल हम आसान तरीके से बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर लिया, जो मैंने अच्छे से छील के इसको धो लिया है। और यहाँ 150 ग्राम मैंने खोया लिया है, 250 ग्राम मैंने चीनी ली है, 1 लीटर मैंने यहाँ फुल क्रीम दूध रखा है। अभी मैं सारी गाजरों को कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस हम इसे मोटे तरफ से करेंगे, इस तरीके से मैं सारी गाजर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सारी गाजर कद्दूकस कर ली है। अब मैं इसको दूध में डाल देती हूँ। इसमें मैंने जो दूध लिया था पूरा मैं 1 लीटर डाल दूंगी। उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। दूध भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैं ये सारी गाजर डाल दूंगी। अब मैं इसको दूध सूखने तक अच्छे से पकाऊंगी। बीच बीच में इसको हम हिलाते रहेंगे। अभी दूध हमारा बिल्कुल सूख गया है, हलवा बनने वाला है हमारा। अब मैं इसमें आधा कटोरी बिल्कुल ताजी मलाई, आज की ताजी मलाई है ये डाल देती हूँ मैं। आप मलाई की जगह इसमें देसी घी भी यूज कर सकते हैं, मैं देसी घी नहीं डाल रही, इससे ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। जो हमने चीनी ली थी इसमें मैंने ये 250 ग्राम चीनी ली है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब चीनी डाल के हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। चीनी डालने के बाद भी इसमें पानी आ जाता है, देखो। अब इसको हम पकाएंगे अच्छे से। अभी हमारा चीनी का पानी भी अच्छे से फ्रेंड सूख गया है, ये देखो। बिल्कुल ही हलवा हमारा बिल्कुल पक्के तैयार हो गया है। अभी ये मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है, थोड़े से मैंने काजू बादाम को कूट लिया है, थोड़े मैंने अखरोट लिया है, जो हमने खोआ लिया था उसको मैंने घिया कस कर लिया है। अब मैं ये सारी चीजें इसमें डाल देती हूँ। आप एक चीज याद रखें, अगर आप हलवा ज्यादा दिन के लिए बना रहे हो तो आप इसमें किशमिश ना डालें। फ्रेंड्स, हलवा बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।